क्या ये फोन ब्लास्ट होगा या क्या पता मेरे हाथ में ही हो जाए। आइए सच जानते हैं। OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो गया। इस फोन को मत लो, कचरा फोन है, घटिया फोन है। देखिए, OnePlus हमें फोन नहीं बेचती है, हम उसको डिफेम करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे फोन ब्रांड नहीं भेज रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, यार अब तो टाइटल में टेक्नोलॉजी लिख दिया OnePlus Nord 2 एक्सप्लोड अगेन, हाँ ये तो बुरा ही बोलेगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार, जो सच है वो सच है, जो झूठे वो झूठे। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर करूँ। बहुत सारे लोग इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, जानलेवा बात है। आपके हाथ में फोन ब्लास्ट होगा, लोग मर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, काफी सारे लोग ने तो ऑर्डर भी दे दिया रहेगा, आप वो कंफ्यूज है कि भाई लेके नहीं ले। और एज अ टेकी ये मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे यूजर्स को मैं इसके बारे में अलर्ट करूं और जो चीज़ें हैं वो आपको सामने फेयर रखूं, चाहे वो सच हो या जो चीज़ कहीं पर इल्ज़ाम लगाई जा रही उसके बारे में भी खुल के बताऊं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। क्योंकि पहला किस्सा यहाँ पर इसका निकल कर आया था 1 अगस्त को, अंकुर शर्मा उन्होंने ट्वीट किया, बोला हमारी वाइफ साइकिलिंग कर रही थी सुबह सुबह, ये फोन उनके स्लिंग में था, छोटे से बैग में था, ब्लास्ट हो गया, उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रॉमा में है, परेशान है। OnePlus वालों ने उनसे कहा ट्वीट डिलीट कर दीजिए, हाँ मैं आपको कंपेंसेट करने को तैयार हूँ। OnePlus क्या, कोई भी ब्रांड यही करेगी, वो अपना उल्लू सीधा करेगी ना। बाद में OnePlus ने रिसर्च किया, बोला ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से हुआ, यानी कि उनका बोलने का मतलब ये था कि फोन के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, बाहर से कुछ हुआ है। मतलब वो सुबह सुबह साइकिलिंग करके लिगोचा खेलने गई थी, अक्कल के अंधो, छोड़ो, चलिए OnePlus वाले बोल रहे हैं। लेकिन एनीवेज वो ये भी सोच रहे हैं OnePlus वाले कि कहीं ये पत्थर पर ना गिरा हो, बैग में से पत्थर पर गिर गया और सीधे बैटरी पर इंपैक्ट हुआ और आग लग गई, कुछ भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फोटोज थे, एविडेंस था, हमारे आंखों के सामने ये फोन था कि भाई ये ब्लास्ट हुआ है, ये काइको हुआ, बीपी बढ़ गया था लोगों का, हाँ। लेकिन ये रीजन यहाँ पर सामने निकल कर आया, तो बिना देखिए हम कैसे मान ले कि ये एक्सटर्नल फैक्टर से हुआ, बस हम यही मान रहे थे कि ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, लाइफ सेट थी, अचानक से एक और किस्सा आ गया और ये आने के बाद सबका बीपी बढ़ गया। हाँ, शुभम श्रीवास्तव उन्होंने ट्वीट किया, बोला उनके डैडी के हाथ में ये फोन था, मतलब हाथ में नहीं था, बेड पर था, और इसके डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर है, घर से काफी दूर थे, ब्लास्ट हो गया, उन्होंने नीचे डंडे से उसको गिराया, खुद सेफ है लेकिन परेशान थे। ये बंदे ने जब ट्वीट किया तो पहले वाले ट्वीट में और इसमें ट्वीट में बहुत फर्क था, इसने कोई फोटोज ही नहीं डाला। अरे भाई ये जानलेवा चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीजें क्लेम करना कोई आसान बात नहीं है, फोटोज डाल देता। हम 1990s पर तो नहीं रह रहे थे, 2021 में किसी ने किसी के पास तो फोन तो होगा ही, फोटो क्लिक करके डाल देता कि भाई हमारा फोन ब्लास्ट हो गया, ये देखो इसके फोटोज है, हमारा कुछ करके दो। जैसे पहले वाले ने किया, हम उसको अग्री कर लेते, उसको विश्वास भी कर लेते, तेरे को कैसा करेगा रे। मैंने भी ट्वीट किया था कि भाई तो थोड़े फोटो तो शेयर कर ताकि हम यकीन करें कि हाँ भाई ये सच है या झूठ है। लेकिन ये बंदे ने कुछ नहीं किया, एविडेंस कुछ प्रोवाइड नहीं किया। OnePlus वालों ने बोला कि हम फिर भी तुम्हारे भरपाई करने को तैयार है। इसने क्या किया, ट्वीट डिलीट किया जैसे कि पहले वाले ने किया था, तो हमें लगा कि हाँ भाई OnePlus वालों ने बोला रहेगा। उसके बाद तो पूरा के पूरा ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। लो, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, देखो भाई ये तो ट्विटर से ही गायब हो गया, मैंने भी चेक किया तो ये तो भाग गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये जगह छोड़ के भाग गया। आप जब कुछ चीज क्लेम कर रहे हैं और वहां से आप छोड़ के खुद भाग गए तो कैसे उसकी भरपाई होगी रे। अब यहां पर हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे ये होने के बाद, इसके भागने के बाद। पहले तो OnePlus ने खुद बोला रहेगा कि तू ट्वीट डिलीट कर दे, ट्विटर भी छोड़ दे, पैसे ले ले, लेकिन हमारी जान बचा ले। या तो दूसरी चीज क्या हुई रहेगी, दूसरी ब्रांड राइवल्स, उन्होंने बोला रहेगा कि भाई एक तो ब्लास्ट हुआ ना, दूसरा तू ट्वीट करके करवा दे, लोग डर के मारे लेंगे ही नहीं। पॉलिटिक्स सब जगह होती है, हाँ। और तीसरी चीज, लखनऊ वाली गलती ना, पब्लिसिटी के लिए बेकसूर लोगों को मारना, ये पब्लिसिटी के लिए कांड कर दिया इसने, ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर पहला वाला जो किस्सा था वो प्रूफ था, दूसरा वाला लटकती तलवार को समझ में नहीं आया। फिर OnePlus ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो मामला हुआ है ये गलत है, ये झूठ है, ये इल्जाम लगाया है, हमारा ऐसा कोई फोन ब्लास्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो OnePlus वालों ने रिसर्च करके बता दिया कि ये सब कुछ जो हुआ ये कांड था, ऐसा तो कोई फोन हमारा ब्लास्ट हुआ ही नहीं। अब आगे बढ़ते, इनको छोड़ दो, हम हमारी बात करते, हमारी जान भी दांव पे लगी है, हाँ। बात करते हैं दोस्तों फोन क्यों ब्लास्ट होता है और ये फोन क्या आपके हाथ में भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं,
फोन के ब्लास्ट होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल की बात करूं दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे लिए। 2016 अगस्त में आया था, एक महीने बाद सितंबर में पूरी दुनिया में ब्लास्ट हो रहा था। सैमसंग ने इसको रिकॉल किया, सैमसंग में गुर्दा था, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि हमारे फोन में डिफेक्ट है, हाँ फोन के अंदर गड़बड़ी है, इसलिए ब्लास्ट हो रहा है, प्लीज इसका इस्तेमाल मत करिएगा, ये जानलेवा है। एक और चीज हमने यहाँ पर ये भी किया कि हमने थोड़ा रियल टाइम टेस्ट किया। कभी कभी फोन ज्यादा ओवरहीट होता है ना, तो उससे भी फोन की बैटरी गर्म होती है, फूक जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। हमने सोचा जितनी हमसे कोशिश होती है हम वो करते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा सा ओवरहीट वाला टेस्ट किया। हमने बैटल ग्राउंड खेला, नॉर्मल टेम्परेचर 35 था, मतलब शुरू करने के टाइम, आधा घंटा खेला 39 पर आया, या कभी कभी 40 भी चला जाता था, तो ये फोन ठीक था, ओवरहीट नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ जनरल टेस्ट किए आपको बताने के लिए कि ये फोन हीट कितना ज्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये अभी हमने जो रिकॉर्डिंग शुरू किया है, लगभग फुल एचडी पर हमने टेस्ट किया था 30 FPS पे, और ये 30 मिनट कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी भी देखेंगे तो 32 मिनट यहाँ पर चल रहा है, और मैं आपको बताऊँ तो ये कितना ज्यादा हीट हुआ है, ये देखेंगे अराउंड 43.6 ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है सामने की साइड इस तरफ, और अगर पीछे की साइड भी देखते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 41 और इस तरफ देखोगे तो 42 के आसपास हुआ है। तो आगे से 43 समथिंग है, पीछे कुछ 42 है, तो ये ओवरहीट नहीं माना जाता है। 45 या 46 के ऊपर जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवरहीट है। फिर भी मैं आपको एक सबूत देता हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो पॉज किया हूँ, और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ सेटिंग्स में, डिटेल्स में जाता हूँ, तो ये देखेंगे 4.67 GB की फाइल है, ड्यूरेशन 33 मिनट है, और फुल HD पे हमने यहाँ पर शूट किया था, आप देख सकते हैं। तो ये उसका ये रिजल्ट है। बाय द वे हमने 15 मिनट भी खाली किया था टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ 42 तक मैक्स गया था, 41-42 के आसपास, तो वो भी कुछ ऐसा ओवरहीट हम नहीं मान सकते। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताओ, ये हमने इंडोर किया है, गैलरी में है। अगर आप बाहर सनलाइट में जाते हैं, सन के सामने खड़े रहकर शूट करोगे, तो वो फोन तो बाहर से वैसे भी हीट होगा, तो वो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये नहीं किसी भी फोन के साथ हो सकता है, तो वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन हमें इंडोर सिर्फ इंटरनली देखना चाहता था कि मैं कि भाई नॉर्मली विदाउट सनलाइट ये कितना हीट होता है, तो वो आपकी आंखों के सामने था। उसके अलावा चार्ज पर भी हमने लगाया था, वहां पर भी ऑनेस्टली मुझे कोई ओवरहीट वाला सीन नहीं दिखाई दिया। अब मैं जान पूछ के काई को झूठ बोलूं, मुझे क्यों ब्रांड को डिफेम करना है, सिंपल सी बात है, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो ओवरहीट कैसा है कि अगर 49-50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये हर सिनेरियो में हम बोलते हैं यार ये तो घटिया फोन है, इतना गर्म हो रहा है कभी भी फट सकता है, आप समझ रहे। तो इंटरनली वैसे ओवरहीट वाला मुझे इसमें कोई सीन दिखाई नहीं दिया। अभी फुल रिव्यू चालू है, जब फुल रिव्यू आएगा तो आपको और बताऊंगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। देखिए दोस्तों, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको बताया, इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि ये फोन जो वो ऑल राइट है, परफेक्ट है। थोड़ा कॉशियस रहिए, बस मैं इतना कहूँगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट रहिए, बस मैं ये कहूँगा। ऐसा नहीं कि आप रात में सो के इसको बाजू में रख के सो गए, ऐसा मत करिएगा, थोड़ा दूर रखिए, कुछ दिन तक उसको थोड़ा सा दूर रखिए, उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या होता है। दुआ करते हैं कि ऐसे कोई किस्से ना आए, बस मैं यही दुआ करता हूँ, आप लोग सेफ रहिएगा। लेकिन मुझे जो ठीक लगा, मैंने अपनी ओपिनियन आपके सामने रखी और इसके बारे में था वो आपको बता दिया। मुझे ज़्यादा डरना चाहिए कि मेरे पास तो इतने सारे फोन से मैं उनके साथ रखता हूँ, ये ब्लास्ट हुआ तो साला सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, आप समझ रहे, मुझे वो भी डर है। लेकिन जो था मैंने आपको बता दिया, हम ऐसे आपको ऑनेस्ट तरीके से जो रहेगा वो बताएंगे, बस हमारा यही काम है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।